जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और सही टाइटल में देखा भी है। ग्रीन क्रोमा और VFX की जानकारी आपको केवल मुंबई में 20 रुपए में मिलने वाली है। कैसे, तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, विजुअल इफेक्ट्स के बारे में कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बड़ी फिल्में जैसे रोबो 2 और बाहुबली 1 बाहुबली 2 में VFX और ग्रीन क्रोमा का काफी इस्तेमाल किया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे थे भोजपुरी 1 चैनल, जहां पर फिल्म लेंस से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारी जानकारी है फिल्म लाइन के बारे में, तो जल्दी से वीडियो पे जाके पूरा वीडियो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर 20 रुपए में आपको VFX और ग्रीन क्रोमा की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी ग्रीन क्रोमा में शूट की जा रही है। लेकिन इसके आगे की वीडियो, अगर हम ग्रीन क्रोमा में शूट कर रहे हैं तो देखिए ये कैसे ग्रीन क्रोमा यहाँ से हट गया है और यहाँ पे मैंने मन चाहा अपना बैकग्राउंड सेट कर रखा है। इसी को VFX और ग्रीन क्रोमा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्रीन क्रोमा यानी ये जो हरे कलर का कपड़ा है, ये लाना होगा और कैमरा लाना होगा, और उसके बाद आपको एक स्टूडियो में शूट करना होगा, और इसके बाद आपको एडिटिंग मशीन पे जाकर इस ग्रीन क्रोमा को हटाना होगा, अपने मन चाहे बैकग्राउंड को लगाना होगा। इस सब झंझट से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे केवल आप 20 रुपये खर्च करके आप खुद का क्रोमा सेट कर सकते हैं, खुद ही बैकग्राउंड जो है वहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ना ही आपको कैमरे की ज़रूरत होगी और ना ही ग्रीन कपड़े की, और ना ही कंप्यूटर, किसी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ आना है और अपना मन चाहा बैकग्राउंड यानी क्रोमा की विजुअल इफेक्ट्स आपको सीखने को, और साथ में आप इसका लाइव डेमो भी। मैं आपको बता दूं कि यह है मुंबई के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी आपने कई मेरी वीडियो देखा है जहाँ पर मैंने इस म्यूजियम के बारे में बताया है। तो आप जैसे इस म्यूजियम में घुसेंगे, आपको केवल 20 रुपये की टिकट लेना है और इस लाइव क्रोमा के चीज़ों को इंजॉय करना है, देखना है, पता करना है कि कैसे ये होता है। तो आप यहाँ पे आइए, तो चलिए मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ। देखिए मैं कैसे एक ग्रीन क्रोमा के सामने आ गया हूँ, लेकिन जो मेरे सर के ऊपर लगी जो टीवी स्क्रीन है, यहाँ पे सब कुछ सेट करके दिखा दिया गया है कि ग्रीन क्रोमा के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी ये लड़का यहाँ पर ग्रीन क्रोमा पे है, नीचे ग्रीन क्रोमा पे खड़ा हुआ है, और इसके आगे एक कैमरा लगा हुआ है, और उसके ऊपर ये पूरा सिस्टम यानी ग्रीन क्रोमा के अंदर एडिटिंग हो के लाइव उसी टाइम जो है आप अपने आप को पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस ग्रीन कपड़े के आगे खड़ा होना है, लाइटिंग सेट है, कैमरा लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिलेगी। और अपना जैसे ही दोनों हाथ ऊपर करते हैं, और यहाँ पर एक अंदर की तरफ स्क्रीन लगी हुई है जिस पे आपके अलग अलग बैकग्राउंड की तस्वीरें हैं, आपका मन चाहा बैकग्राउंड आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस बच्चे ने अपना बैकग्राउंड अलग अलग तरीके, कुछ इसी तरीके से फिल्म में भी होता है। तो आप यहां आकर लाइव VFX और ग्रीन क्रोमा का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां आकर ग्रीन क्रोमा और VFX की बारीकियों को समझ सकते हैं, और यहां पर आकर अपना वीडियो शूट कर सकते हैं, साथ में सेल्फी भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर सीखना हो और जानना हो, तो अगर आप मुंबई में आए तो यहां पे ज़रूर आना और इन चीज़ों को देख लेना, ताकि आप अगर इस तरह की चीज़ों को करना चाहते हैं तो आपको कैसा करना होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें साफ साफ बताई गई हैं। यानी अगर आपको यही सब चीज़ें सीखनी होंगी तो आप इसके लिए बहुत पैसे आपको खर्च करने होंगे, लेकिन यहां पर केवल आपको 20 रुपए की टिकट लेना है, और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इन्हीं कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ देता हूं, ताकि आप समझ सके कि ग्रीन क्रोमा और VFX कैसे काम करता है। Thank you.
लगता है दोस्तों आज की जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक तो दे दो कम से कम। और अभी आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं कहूंगा भाई पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।